Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum viewers. Introduction to C++ programming series के इस वीडियो के साथ मैं हूँ मोहम्मद सफदर डोगर. व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे. तो व्यूवर्स, मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdardogar. तो जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल शेप का एक बटन अपीयर होगा, उस पर भी लाजमी क्लिक कर दें. तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी ऑपरेटर्स. हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स को C++ के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप के लिहाज से ऑपरेटर को कैसे हम यानी कि डिस्टिंग्विश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर. ऑपरेटर आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन डेटा. ऑपरेटर एक सिंबल होता है, एक साइन होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं. C++ प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स. C++ काफ़ी सारी वैरायटी प्रोवाइड करती है. देर आर टू टाइप ऑपरेटर, जिसकी मेन दो टाइप्स होती हैं. एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर और दूसरे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स. ये यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं अभी हम चेक करते हैं उनको. यूनरी ऑपरेटर ए टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर. अगर आपका ऑपरेटर किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू को चेंज कर दे या उसको अफेक्ट कर दे, एक ऑपरेंड की वैल्यू को अफेक्ट कर दे या उसको अपना फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, तो उसे हम कह देंगे यूनरी ऑपरेटर है. जैसे मैं कहता हूँ प्लस प्लस इंक्रीमेंट का ऑपरेटर होता है, या माइनस माइनस जिसे डिक्रीमेंट का ऑपरेटर कहते हैं, या माइनस का ऑपरेटर. जैसे मैं कहता हूँ माइनस ए है, एन में एक का इंक्रीमेंट कर दो, एक्स में एक का डिक्रीमेंट कर दो. ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम आगे जाके इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है. उसके बाद आते हैं ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ए टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद टू ऑपरेंड इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर. ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड की जरूरत होती है. इनके अंदर जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया. उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जो दो वैल्यू के दरमियान में रिलेशन कायम करते हैं, जैसे ग्रेटर दैन है, ये वैल्यू लेस दैन है, ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है. उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे, जैसे एंड का ऑपरेटर है, ऑर का ऑपरेटर है और नॉट का ऑपरेटर है. उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे. और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं, ये मैंने आपको वैसे जस्ट इंट्रोडक्शन कराया है कि हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते क्या हैं और हम उनको कैसे यूज़ करेंगे. तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको यानी कि फर्दर हम इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते रहेंगे. तो आने वाली वीडियो तक हम इजाज़त चाहते हैं. ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़.